हेलो फ्रेंड्स, नीलम नाडुका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इडली डोसा के लिए टमाटो अनियन चटनी बना रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब हम 1 टेबलस्पून उड़द दाल डाल देंगे, 4 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे दोनों चीज़ों को। अब इसके साथ हम आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 6 से 7 लहसुन की कलियां डाल देंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जो मैंने काट के ले लिया है वो भी डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे। अब हम सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, इस तरह से लगातार चलाते हुए अदरक लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम 1 रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हम चटनी बना रहे हैं तो प्याज को हमको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए हम प्याज को सौते कर लेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए प्याज को हल्का सा नरम होने तक सेक लेंगे। प्याज के सिक जाने के बाद हम इसमें 2 टमाटर डाले हैं, रफली चॉप कर लिए हैं इनको। टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। 2 मिनट बाद चेक करेंगे, टमाटर हमारे बिल्कुल मैसी हो गए हैं, देखिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक चटनी जार ले लिया है। अब हमारा मिक्सचर ठंडा होने के बाद इसको डाल देंगे चटनी जार में। इसके साथ में छोटा सा टुकड़ा मैं इमली का भी डाल दूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई है। टेक्सचर भी देख लेते हैं इसका। देखिए, पीसते टाइम मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी यूज़ किया था। अब इस बाउल में निकाल लेंगे इसको। अब हम तड़का लगाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून तेल गरम करके ले लिया है। राई डाल देंगे, राई को तड़कने देंगे। करी पत्ता डाल देंगे। अब हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तड़का डालने से चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो बिना तड़के के भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे तड़का डालूंगी। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस चटनी के ऊपर ये तड़का डाल देंगे और सर्व करने से पहले इसको मिला लेंगे। हमारी टमाटो अनियन चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इसे इडली डोसा के साथ सर्व करिए।